रुक जाओ, मैं तुम्हें खुद बुलाती हूँ। हेलो सर जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आप सर नहीं है। अभी आप ओके, मुझे इनवाइट लगता है करने में स्टार्ट सारे कर ठीक देते हैं। है। आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर फातिमा शबीर, प्लीज मेंशन योर टॉपिक एंड टुडे आवर रिस्पेक्टेबल स्पीकर इज डॉक्टर फातिमा शबीर, प्लीज स्टार्ट योर टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम वालेकुम इज फातिमा अस्सलाम। शबीर। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, फैसलाबाद। ओके बेसिकली मेरा आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको गाइड करूंगी फिजिकल एक्टिविटी लेवल के हमारे हेल्थ बेनिफिट। आप भी आप अपना बेसिकली मेरा आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको गाइड करूंगी कि फिजिकल एक्टिविटी लेवल का हमारी हेल्थ पे कितना इफेक्ट है। हम जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लें, ठीक है, अगर हमारी डेली रूटीन के अंदर फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं है तो हमारे जो फूड है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, उनकी प्रॉपर जो है वो अब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इट्स मीन कि जितना हम इनटेक करते हैं, अगर हमारा बैलेंस होना चाहिए, इनटेक इज इक्वल टू यूटिलाइजेशन, ठीक है। अगर हम जितना इनटेक करते हैं उतना हम यूटिलाइज नहीं करते, तो इट्स मीन कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें जो हम फिजिकल एक्टिविटी लेवल से क्या होता है कि एक तो हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है, दूसरा क्या होता है कि इससे हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर होता है। फिजिकल एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल में डिफरेंट आ जाता है कि मीन्स के वॉकिंग आ जाती है, जॉगिंग आ जाती है, रनिंग वगैरह आ जाती है, डिफरेंट एक्सरसाइज वगैरह जो है वो इसमें आ जाती हैं। फिजिकल एक्टिविटी लेवल से क्या होता है कि इस ये डिले कर देती है वो वाले डिजीजेस, जैसे कि क्रोनिक डिजीजेस के जो चांसेस होते हैं उनको क्या कर देती है, डिले कर देती है। अगर हम बात करें जितना हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल होगा उतने ज्यादा हम फिजिकली क्या हो जाएंगे, फिटनेस जो है वो हमें फिटनेस होगी। बेसिकली अगर मैं बात करूं ओबेसिटी, ओबेसिटी में अगर हम बात करें तो ओबेसिटी वाले पर्सन को जो है फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है बहुत ज्यादा इसके लिए जरूरी है, ठीक है। ओबेसिटी वाले पर्सन को जो वॉक वगैरह जो है वो इस तरह करनी चाहिए कि उसको जो है वो लो टू मॉडरेट जो है वो अपना वॉक जो है का स्टाइल जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम जैसे कि एकदम जो है वो बहुत तेजी से जो है वो वॉक करना स्टार्ट कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो रिसेंट हमने एनर्जी का सोर्स लिया होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है, सबसे पहले क्या हो जाएगा उसकी ब्रेकडाउन वगैरह होगी, वो यूटिलाइज होगा। लेकिन अगर हम लो टू जब हम बहुत ज्यादा स्टार्ट में हम बहुत ज्यादा अगर हम तेज जो है वॉक या एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि एक जब भी हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, कोई भी पर्सन है अगर उसने वो उसका पहले जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब कि अगर कोई पर्सन पहले कोई वॉक वगैरह एक्सरसाइज नहीं करता तो उसको जो है वो एकदम जो है वो बहुत ज्यादा विगोरियस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर देनी चाहिए। मीन्स के एकदम उसको बहुत ज्यादा तेज जो है वो एक्सरसाइज या वॉक का लेवल जो है वो स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, पर्सन जो है वो जल्दी फटीक होगा और वो क्या करेगा, वो अपने मिशन को छोड़ देगा। बेटर तो ये है कि अगर कोई पर्सन अगर उसका इनिशियली स्टार्ट है फिजिकल एक्टिविटी लेवल का तो उसको चाहिए कि स्टार्ट में जो है वो लो टू मॉडरेट जो है वो वॉक वगैरह जो है वो स्टार्ट करे। मींस कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फिजिकल एक्टिविटी लेवल स्टार्ट करना है तो उसको चाहिए कि फर्स्ट वीक जो है वो 20 से 30 मिनट जो है वो अपना वॉक का लाइफस्टाइल जो है वो स्टार्ट करे। नेक्स्ट वीक में क्या करे कि वो जो है वो अपने थोड़े नेक्स्ट वो 40 मिनट तक आ जाए, ताकि उस जो पर्सन है उसके ऊपर बर्डन भी ना बने और वो अपनी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल को भी कंटिन्यू रखे। तो जैसे कि बेसिकली मैं बात कर रही थी कि ओबेसिटी वाले पर्सन को क्या करना चाहिए कि उसको लो टू मॉडरेट जो है वॉक करनी चाहिए या एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि लो टू मॉडरेट से क्या होता है कि स्टार्ट में हमारे ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज होंगे और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमारे का जगह फैट जो है उसकी ब्रेकडाउन होना क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिकली हम कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो हर पर्सन के लिए जरूरी है। अगर कोई पर्सन जो है वो नॉर्मल है, अगर उसको कोई डिजीज नहीं है, तो उसके लिए भी उसके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के लिए, अब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन के जो डिजीज पर्सन है उनके लिए तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल जरूरी है। जैसे कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है, जो वॉक वगैरह जो है, हम ओबेसिटी के पर्सन को तो रिकमेंड करते ही हैं, लेकिन ये वेट गेन जिनका नहीं होता, वो वाले पर्सन जिनको, जो अंडर वेट होते हैं, उनको भी फिजिकल एक्टिविटी लेवल उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक तो वेट गेन से क्या आ जाएगा कि मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होगा, ठीक है, तो दूसरा इससे क्या आ जाएगा कि इससे क्या आ जाएगा, जब वो वेट गेन के लिए जरूरी है कि मसल स्ट्रेंथ वाली जो है वो एक्सरसाइज वगैरह की जाए, ताकि हमारे मसल्स वगैरह की ब्रेकडाउन हो और जो पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर जो है वो दोबारा जो है वो फॉर्मेशन वगैरह हो। तो वेट जिन्हों जो वो लोग जो कि अंडर वेट हैं, उनको भी फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर जो है वो 30 मिनट जो है वो वॉक जो है वो लाजमी ऐड करना चाहिए। अगर फिजिकल एक्टिविटी लेवल होगी तो फुल डे में अगर वो जितनी मर्जी जो है वो हाई एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट डेंस डाइट ले लें, तो जब तक उसके न्यूट्रिएंट जो ब्रेकडाउन नहीं होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन अगर प्रॉपर वे से नहीं होगी, तो उसको प्रॉपर जो है वो एनर्जी वगैरह नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे डॉक्टर निम्रा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हाइपरटेंशन में, उन्होंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी लेवल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बीपी को कम करने में, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, जो वो वाले पर्सन जो कि बीपी है, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको एकदम जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट वाली जो एक्सरसाइज वगैरह है वो नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हार्ट पे जो है वो प्रेशर पड़ेगा। बेस्ट तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो स्टार्ट किया जाए, इनको एरोबिक जो है वो वॉक वगैरह की जाए, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल जो है उसको इनहेल एक्सहेल वाली जो है वो की जाए, एक्टिविटी लेवल वॉकिंग वगैरह की जाए, जॉगिंग वगैरह की जाए, तो ये ज्यादा हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए जो है ज्यादा बेस्ट है। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये आता है साइंटिफिक वे से कि अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो फिजिकल, अगर वो रोजाना जो है वो 30 से 45 मिनट अगर फिजिकल एक्टिविटी लेवल करता है, तो इससे जो है वो इसका ब्लड प्रेशर जो है वो 33 to 5 mmHg जो है वो कम होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो जो कि हमारा ऊपर वाला होता है, जो कि हमारे ब्लड वेस मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायसिस्टोलिक जो कि रिलैक्स करता है हमारे हार्ट के मसल्स को। और जो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट जो कि रोजाना फिजिकल एक्टिविटी लेवल करता है, तो इससे क्या जाएगा, उसका जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 2 to 30 mmHg जो है वो 2 to 30 mmHg जो है वो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। दूसरा क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी लेवल से हाइपरटेंसिव पेशेंट जब फिजिकल एक्टिविटी लेवल करता है लो टू मॉडरेट, इससे क्या होता है कि उससे पसीना आता है, जब स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग से क्या होता है कि सोडियम जो है वो बॉडी से रिलीज होता है। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को जैसे कि हम जनरल तौर पर रिकमेंड करते हैं कि लो सोडियम हाई पोटेशियम हाई कैल्शियम हाई मैग्नीशियम आपने डाइट लेनी है। तो अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल करेगा, तो ऑब्वियसली इसका सोडियम जो है वो बॉडी से खुद स्वेटिंग के थ्रू क्या जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब सोडियम रिलीज हो जाएगा, उसकी ब्लड वेजल जो है वो डायलेट होंगी, जब ब्लड वेजल्स डायलेट होंगी तो उसकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली होगी। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए जो है, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी लेवल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये भी है कि अगर कोई पर्सन जो है वो रोजाना फिजिकल एक्टिविटी लेवल करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, अगर 30 मिनट करते हैं, तो इससे उससे जो है वो 2 to 3 years जो है उसके लाइफ के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी बेटर हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, उनको वेट लिफ्टिंग वगैरह जो है वो इस तरह की एक्सरसाइज से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इससे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो क्विकली रेज कर सकता है और हार्ट पर प्रेशर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लड फिजिकल एक्टिविटी लेवल का, जैसे कि हमने ब्लड प्रेशर पर इसका इफेक्ट बता दिया, दूसरा ये है कि जैसे